हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू gohas.in। कोविड-19 दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन को चलते हुए भी काफ़ी सारे लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन भी हैं और काफ़ी सारे लोगों के अंदर एक डर भी है। क्या कोविड वैक्सीन सेफ है या नहीं, इस पर सवाल है। कई सारों की थ्योरीज हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद कई सारे लोगों की मौत हो रही है और वहीं पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ये स्ट्रेस कर रहा है कि कोविड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। ऐसे में क्या कोविड वैक्सीन लेना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर काफ़ी लोगों की सोच जा रही है। और हाल ही में व्हाट्सएप पे एक इमेज घूम रही है जहां पर एक डॉक्टर ने कोविड वैक्सीन के बाद पेन किलर इंजेक्शन लिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। इस तरह का व्हाट्सएप मैसेज आप कई बार देख चुके होंगे। इसके बाद से लोगों के अंदर काफ़ी चिंता बढ़ती जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर। हमारी टीम ने एक छोटा सा सर्वे लिया और ऑनलाइन हमने अलग अलग चैनल्स और अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि वो स्टोरी बिल्कुल सही है कि एक लेडी डॉक्टर की मौत तो हो चुकी है लेकिन वैक्सीनेशन के बाद उनकी मौत नहीं हुई थी। उसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड है, आइए नजर डालते हैं। 26 साल की हरिहरानी जो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, उनकी मौत हो चुकी है कोविड वैक्सीन के बाद। पेन किलर डाइक्लोफेनेक उन्होंने लिया इमिडिएटली पेन को कम करने के लिए, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये मिसलीडिंग है। वैक्सीनेशन लिया था फरवरी के महीने में, उसके बाद एक महीने के बाद 5 मार्च को उनके हस्बैंड ने बॉडी में पेन होने की वजह से उन्हें डाइक्लोफेनिक पेन किलर दिया। तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर ने क्लियरली बताया है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे वो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस के देने के बाद हुए थे और उसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर हरिहरनी MD एनेस्थीसिया पढ़ रही थी मदुराई मेडिकल कॉलेज में और उन्हें डाइक्लोफेनिक दिया गया 5 मार्च को। उनके हस्बैंड डॉक्टर पी अशोक विग्नेश थे जो कि MS कर रहे हैं जनरल सर्जरी में सेम कॉलेज में। डॉक्टर हरिहरनी की इस मौत के बाद सोशल मीडिया में काफ़ी बड़ा सा बवाल चल रहा है। एक तो पहले कि उनकी डेथ कोविड वैक्सीन के बाद हुई है और दूसरी चीज़ ये कि पैरास्टामोल जो पेन किलर लिया गया है उसकी वजह से क्या मामला है। डॉक्टर हरिहरनी को 11 मार्च को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। वो अनकॉन्शियस रही, उन्हें रिवाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था और मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखा गया था 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद उनकी अफसोस भरी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन देने से उन्हें एक एनफिलैटिक रिएक्शन यानी कि एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है, उसकी वजह से आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं और लेटर कोमा में चले जाते हैं। डाइक्लोफेनिक आखिर है क्या? डाइक्लोफेनिक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसे पेन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, डाइक्लोफेनिक ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं रहता है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इसे लेना है क्योंकि इसके खुद के कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन के बाद डाइक्लोफेनिक पेन रिलीफ देना रिकमेंडेड नहीं है और जो भी डाइक्लोफेनिक लेना चाह रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और बिल्कुल उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही इस तरह के मेडिसिन लें। डॉक्टर हरिहरनी एक यंग और ब्राइट स्टूडेंट थी और 26 साल की थी और उनकी शादी हुई थी डॉक्टर पी अशोक के साथ। ये बड़ा अफसोस भरी खबर है कि उनकी मौत एक इंजेक्शन लेने से हुई है, लेकिन पुलिस इस पर जांच भी कर रही है और डॉक्टर अशोक से भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपका जहन क्लियर हो गया होगा और जो हाल ही में जो व्हाट्सएप पे जो इमेजेस चल रहे हैं वो मिसलीडिंग है। वैक्सीनेशन के बाद डेथ नहीं हुई थी, 1 महीना लग चुका है दोनों के बीच में। डॉक्टर हरिहरन वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट और उनकी लॉस उनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा है और उनके हस्बैंड के लिए भी। मे हर सोल रेस्ट इन पीस।